Hello everyone, this is Ashutosh Tiwari. वेलकम यू ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और चूंकि हम लोग टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, टेंस में हमने टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, टेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनको देख लिए, हमने कंडीशनल सेंटेंस देख लिया, हमने क्वेश्चन टैग कर लिए, तो टेंस का जो एक कंप्लीट पैकेज था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाएंगे टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर। चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना रिवीजन कर लिया, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ना। तो अंतिम तक सेशन में बने रहिए और सॉल्व करिए, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट से। और आज का पॉजिटिव थॉट है, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे ना, तब तक नई चीजें नहीं सीखेंगे। अगर नई चीजें सीखना चाहते हैं तो गलतियों से घबराइए नहीं। गलतियां होती हैं, होने दीजिए, गलती हो जाएगी, होने दीजिए, गलतियां ही आपको सिखाएंगी नई चीजें करने पर, नई चीजें सीखने पर। कभी भी जैसे जैसे आप ये टेस्ट देने जा रहे हैं तो टेस्ट में पता लगा कि आपके आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं और आपके कुल 30 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं आउट ऑफ 50 ना। तो ये नहीं सोचना कि हमसे नहीं हो पाएगी, ये सोचना है कि जो 20 गलत हो गए, जहां हमने गलतियां की, जहां हमने एरर किया है, उनको कैसे इम्प्रूव करेंगे, उनको फिर से पढ़ना है, फिर से समझना और फिर से सॉल्व करना है, ताकि हम और बेहतर कर सके। ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैठना है। आज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइम एंड टेंस पर। शुरू करते हैं इस कहानी को बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। बताइए क्या मिस्टेक होगा। अब आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता है कि इफ व्हेन के साथ स्टार्ट होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तभी रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो रिजल्ट तो ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा है, इसका मतलब कंडीशन किसमें होगी, व्हेन यू फाइंड आउट, क्या हो जाएगा, व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए मिस्टेक है, आप विल हटा देंगे, व्हेन यू फाइंड आउट आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हेन यू फाइंड आउट ना, यही आपका सेंटेंस बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए में मिस्टेक थी। व्हेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, एवर, नेवर, व्हेन एवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ऑलवेज ना, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। तो वेन एवर यू आर कमिंग हियर की जगह होना चाहिए वेन एवर यू कम हियर, यही सॉल्यूशन होगा, वेन एवर यू कम हियर। मैंने आपको बताया था अगर कॉन्टिन्यूअस में गलत वाला दिया है तो चेंज करके इंडेफिनिट कर देंगे, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गलत वाला दिया है तो चेंज करके परफेक्ट कर देंगे। दिया हुआ सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो चेंज होके इंडेफिनिट में हो जाएगा, यू के साथ प्लुरल वर्ब आएगा इसलिए कम लगाएंगे। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। इट इज अपियरिंग टू मी, मैंने आपको कुछ वर्ब पढ़ाए हैं जिनके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आईएनजी यूज नहीं करते, पढ़ाया हूं ना, उनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करते ना। उसमें आपको मैंने सीम भी पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको अपीयर भी पढ़ाया, मैंने सीम भी पढ़ाया, मैंने अपीयर भी पढ़ाया है ना। अब देखिए, इट इज अपियरिंग गलत हो जाएगा, क्या होगा, इट अपीयर्स कॉन्टिन्यूअस है तो इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। इट अपीयर्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but he has never created any problem. अब याद करिए, टेंस में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है, वो रूल क्या था कि अगर एक से अधिक वर्ब एक साथ आए और उनके लिए कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो तो सभी वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए। फिर उसी में मैंने नोट करके एक रूल पढ़ाया कि अगर सभी के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है तो आप वर्ब की फॉर्म एक नहीं करेंगे, टाइमिंग एक कर देंगे। अब यहाँ देखिए, इसके पास भी हेल्पिंग वर्ब, इसके पास भी, इसके पास नहीं, मान लीजिए तो दो के पास हेल्पिंग वर्ब है, आप चेंज नहीं कर सकते वर्ब की फॉर्म, तो आप टाइमिंग एक करेंगे। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग प्रेजेंट टेंस,
लिव्ड पास्ट टेंस हैज क्रिएटेड प्रेजेंट टेंस, दो प्रेजेंट टेंस है एक पास्ट टेंस है, इसका मतलब इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देना है, प्रेजेंट टेंस में, चूंकि फॉर के साथ टाइम लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज लिव्ड हियर फॉर मोर देन ए मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। तो आप ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला, लिव्ड के पहले आपने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट। अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। अब मैं जब आपको वर्ब पढ़ा रहा था, कुछ वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, उसमें लव हेट ये भी आया था ना। यहां देखिए हेटिंग लिखा है, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु हेट्स वेमेन, क्या होगा, हु हेट्स वेमेन, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज अ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज अ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या होना चाहिए बताइए, यहां देखिए लिखा एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग जैसे लिख दिया तो एक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूबल, कॉन्टिन्यूअस नहीं, यानी इंडेफिनिट स्टेट में चला गया, इंडेफिनिट स्टेट में चला गया, तो ही इज गेटिंग अप की जगह हो जाएगा ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। नाउ अडेज ही टीचेस फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। नाउ अडेज, अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, दीज डेज, नाउ अडेज, डे बाई डे, करेंटली, ना, इनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ अडेज ही टीचेस फिजिक्स की जगह नाउ अडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स हो जाएगा, नाउ अडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स। चलिए, ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी था, तो आपको ऑप्शन ए में सुधार करना है। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। अब देखिए यहां लिखा है ही सीम्स, प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहां पे फिर पास्ट कैसे हो सकता है, हैड कम की जगह क्या होना चाहिए, पेरेंट्स चूंकि प्लूरल होता है तो प्रेजेंट में लगा देंगे हैव कम, ऑप्शन सी, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद, हैड की जगह हैव हो जाएगा। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ कभी भी कोई और टेंस यूज नहीं करते सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग की जगह होना चाहिए यू स्टार्टेड, ऑप्शन बी ना, ए तो इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, हाँ ऑप्शन बी, यू स्टार्टेड। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, इसमें क्या होगा, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। अब यहां देखिए लिखा आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ डाइड, क्यों, क्योंकि पास्ट का समय दे दिया गया ना, मैंने आपको बताया था अगर पास्ट का समय दे दिया जाए तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ डील करेंगे, यानी डाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टूडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा, येट आपका कंजंक्शन भी है और येट आपका एडवर्ब भी है, ठीक है, जब ये कंजंक्शन होता है तो दो ऑल्दो के साथ काम करता है और फिर भी के अर्थ में काम करता है, किस अर्थ में काम करता है, फिर भी, लेकिन जब ये एडवर्ब होता है, जब ये एडवर्ब होता है तो अभी तक का सेंस देता है, और जब ये एडवर्ब होता है तो ध्यान रखिएगा इसके साथ परफेक्ट टेंस का यूज होता है, किसका यूज होता है, परफेक्ट टेंस का। जहां लिखा है मेनी ऑफ माई फ्रेंड विश टू कम हियर टूडे, टूडे लिख दिया बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट की जगह होगा नन ऑफ देम हैज अराइव्ड एट, ऑप्शन डी, परफेक्ट टेंस यूज करेंगे,
हैज अराइव्ड इट, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सी सेज दैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अब देखिए, इफ व्हेन एज सून एज इन केस टिल अंटिल बिफोर आफ्टर, यही बताया था कंडीशनल वर्ड, यही बताया था कंडीशनल वर्ड। जब ये कंडीशनल वर्ड है ना, अगर ये कंडीशनल वर्ड है, यहां देखो इन केस क्या हो गया, कंडीशनल वर्ड है। अगर ये कंडीशनल वर्ड है तो इसके बाद आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। तो यहां जो लिखा है देखिए, सी सेज दैट सी विल टेक, ये तो करेक्ट है, लेकिन इट रेन की जगह क्या हो जाएगा, इट रेन्स हो जाएगा, ऑप्शन डी, इट रेन्स। आई विल लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन, सेम कंडीशन। इफ व्हेन एज सून एज टिल अंटिल अनलेस बिफोर आफ्टर ना, एज सून एज भी कंडीशनल वर्ड है। इसके बाद अगर कंडीशनल वर्ड में, सॉरी कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट फ्यूचर का इंडेफिनिट है तो कंडीशन प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए ना, एज सून एज आई गेट, एज सून एज आई गेट। व्हेन आई विल बी 30, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 35, बी श्योर। व्हेन आई विल बी 30, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 35। व्हेन के बाद कंडीशनल सेंटेंस बनेगा तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन आई बिकम 30 या व्हेन आई एम 30, आप दोनों में से कोई एक लगाएंगे ना, तभी तो रिजल्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये इसको नोटिस नहीं करेंगे, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हमेशा कैपिटल होता है, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि अगर आपके सब्जेक्ट के स्थान पर दिस दैट या इट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाए, उसके बाद आर्टिकल द आ जाए, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या ऑर्डिनल नंबर आ जाए, या ओनली आ जाए, और कंजंक्शन दैट आ जाए, याद आ रहा है ना, तो स्ट्रक्चर हमेशा कौन से परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। दिस इज आ गया, द आ गया, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, कंजंक्शन दैट हो गया, आई हियर की जगह होना चाहिए आई हैव हर्ड, क्या होना चाहिए, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। याद करिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में ये रूल हमने पढ़ा, वहीं पर ये बताया था अगर इज की जगह वाज हो जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ना। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, याद करिए पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, याद करिए रूल, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, बिफोर आफ्टर का रूल मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड एक्शन आता है यानी पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी, हैड या नहीं होगा, दूसरा वाला परफेक्ट में होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट परफेक्ट, पहचानने का सही तरीका बताया था मैंने, बिफोर के बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, बताइए इसमें क्या होगा, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, नो के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते, तो आई हैव अगर बीन नोइंग हटा देंगे, हैव के बाद क्या लिख देंगे, आई हैव नोन टू हिम, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, नोन कर देंगे हैव के बाद नोन वर्ब की थर्ड। ही यूजेस टू स्टडी एटलीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड, क्या मिस्टेक होगी इसमें, इस सेंटेंस में, चलिए ध्यान से देखिए, ही यूजेस टू स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, एटलीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों वर्ब एक ही स्ट्रक्चर में है यानी एरर सेंटेंस में नहीं, नो एरर यहां क्रिएट होगा। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, कंडीशनल सेंटेंस ध्यान रखिए, इफ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आता, अब यहां हैड क्या है,
मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि हैव और हैज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैड जो है वो मेन वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आता है। ये फर्स्ट फॉर्म में आता है। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, यहाँ हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, ऑप्शन है, अगर थर्ड फॉर्म लगती तो ये परफेक्ट होता। हैड अकेले आया मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, अगर पास्ट इंडेफिनिट इधर है तो इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, मतलब लिखा हुआ स्ट्रक्चर करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल, आफ्टर बिफोर कंडीशनल सेंटेंस में भी आते हैं। अगर रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। आपको सिंपली लिखना है बिफोर द रेन्स फॉल, विल का यूज नहीं होगा। इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहां देखिए, इफ आई वुड हैव डन दिस, आपको पता है अगर रिजल्ट वुड हैव के साथ लिखा है तो कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होगी, यानी हैड के साथ। तो आपको लिखना है इफ आई हैड डन दिस, इफ आई हैड डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इफ सी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। इफ के साथ क्या लिखा हैड, यानी पास्ट परफेक्ट। हैड अगर पास्ट परफेक्ट लिखा है तो दूसरा वाला किसके साथ होना चाहिए, वुड हैव। देखिए वुड नॉट हैव लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बराबर है, बिल्कुल भी कोई एरर सेंटेंस में नहीं। आई विश ही सा यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। अब देखिए, मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर प्रेजेंट की कल्पना होगी तो वर लगाएंगे, लेकिन वही कल्पना अगर पास्ट की होगी तो आप क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। काश उसने तुम्हें देख लिया होता जब तुम लंदन में रह रहे थे, तो देख लिया होता मतलब पास्ट की कल्पना है, आप लिखेंगे आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड, आई हैड सीन यू, सॉरी ही हैड सीन। द जज हैड नॉट गिवन इन डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, टिल अंटिल अनलेस, ये भी आपके कंडीशन बताते हैं। अंटिल के बाद क्या लिखा है, ही हैड, यानी पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब रिजल्ट किसमें होना चाहिए था, रिजल्ट होना चाहिए था वुड नॉट हैव, नॉट लगा है तो नॉट बीच में लगा देंगे, सेंटेंस बनेगा द जज वुड नॉट हैव गिवेन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। आई लिव्ड हियर सिंस 1980, देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। आई लिव्ड हियर सिंस, सिंस आ गया मतलब आप लिव के साथ आईएनजी अगर आप नहीं करेंगे तब भी तो परफेक्ट तो करना पड़ेगा। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1980, आई हैव लिव्ड हियर होना चाहिए ना, आई हैव लिव्ड हियर। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट समझते चलिए, फॉर के बाद अगर द लिखा है और फिर लास्ट लिखा है फिर कोई टाइम दिया है तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। सिंस के तुरंत बाद अगर लास्ट लिखा है और टाइम लिखा है तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। दोनों में अंतर क्या हुआ, आर्टिकल द का। अगर लास्ट समय, जैसे लास्ट 10 ईयर्स लिखा, इसके पहले अगर आर्टिकल द लग गया तो फॉर सही है, अगर आर्टिकल द हट गया तो सिंस सही है। अब दिए गए सेंटेंस में फॉर है, आर्टिकल द है, मतलब लिखा हुआ स्ट्रक्चर आपका क्या है, करेक्ट है ना, आपको चेंज नहीं करना, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, फॉर और सिंस वाला, ठीक है, ये फैक्ट दिमाग में रहना चाहिए। क्या बताया था, फॉर द लास्ट फिर कोई समय, स्ट्रक्चर करेक्ट है, सिंस फिर बिना द के लास्ट फिर टाइम, ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये दोनों स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए। चलिए,
इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच अगेंस्ट योर टीम. इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम. अब यहां पे हैड मेन वर्ब है क्योंकि हैड के बाद कोई मेन वर्ब है नहीं थर्ड फॉर्म, तो हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई. अब या तो यहां वुड हैव लिखा है तो आप इसको चेंज करके वी वुड विन द मैच कर दें, लेकिन चूंकि कल्पना पास्ट की है तो पास्ट की है तो आप हैड को दो बार लिख देंगे. इफ वी पहला वाला हैड क्या हो गया, पहला वाला हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला हैड क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर हमारी टीम में मोहन रहा होता ना, काश हमारी टीम में मोहन रहा होता, तो पास में रहने के अर्थ के लिए भी हैड का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी हैड, तो दो बार हैड लिखेंगे. इफ वी हैड हैड मोहन इन आवर टीम. राधा कम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट. राधा कम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट. इसमें क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप लिखेंगे राधा कम्स टू द मीटिंग. इफ आई वॉज यू आई वुड हैव, ऑप्शन ए, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट. इसमें क्या होगा, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट. इफ आई वॉज यू की जगह हो जाएगा इफ आई वर यू. कल्पना कर रहा है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह हो, ऑप्शन ए. आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली. अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए. आई वॉन्ट प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पिकअप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगाया तो होगा ही, लेकिन एंड के बाद सेकेंड फॉर्म कहां से आ गई. ये जब मैंने बताया था अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सभी वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए ना, केप्ट की जगह कीप करेंगे, कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली. The victim tried to tell us what has happened, but his words were not audible. अब मैंने आपको रूल पढ़ाया था, अगर WH वर्ड स्वयं सब्जेक्ट का काम करे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती. आप सीधा लिखेंगे what happened, but his words were not audible. We got everything ready for all of them long before they arrived. Before after past perfect. बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, आ गया तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट भी तो आना चाहिए. आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी. क्या होगा, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी. शी वॉज विद मी अंटिल नाउ सो डोंट रिव्यू हर फॉर गेटिंग लेट. शी वॉज विद मी अंटिल नाउ सो डोंट रिव्यू हर फॉर गेटिंग लेट. She was with me until now. अब तक मेरे साथ थी तो प्रेजेंट में ले जाइए ना, आप लिखेंगे She has been with me until now. अब तक मेरे साथ थी ना, ऑप्शन ए में मिस्टेक. I have been adoring her for the voice with which she is gifted. I have been adoring her for the voice with which she is gifted. I have been adoring. मैंने बताया था adore के साथ ing का यूज नहीं होता, तो हैव लिखा है बस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना. आई हैव अडोर्ड हर फॉर द वॉइस विथ विच शी इज गिफ्टेड. आई हैव अडोर्ड. हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर. मैंने आपको बताया था अगर कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड मिसिंग है तो हैड को भी सेंटेंस की शुरुआत में रख के कंडीशन बनाया जा सकता है. अब यहां अगर कंडीशनल सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है तो रिजल्ट वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, मतलब लिखा हुआ स्ट्रक्चर आपका करेक्ट, कोई एरर नहीं. मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे. मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे. क्या होना चाहिए बताइए. Many observations indicate that the number of drug addict is लिखा है और day by day भी आगे लिखा है तो continuous आना चाहिए ना, growing day by day. बिल्कुल सही है, growing day by day. Newspapers told us even sorry about the event B हो जाएगा event that happened all over the world. अब newspapers हमको बताते थे या बताते हैं, ये तो usual है, रोज आता है. न्यूज पेपर्स टेल अस हो जाएगा, न्यूज पेपर्स लिखा इसलिए प्लूरल वर्ब रखेंगे,
न्यूज़पेपर्स टेल अस, अभी भी बताते हैं प्रेजेंट में। हियर इज कमिंग माई फ्रेंड सेड मंजू सी वॉज एनेक्सियस, इसमें क्या होगा? हियर इज कमिंग माई फ्रेंड सेड मंजू, आपको पता है हियर इज कमिंग नहीं होता, हियर कम्स होगा। क्यों? अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत हियर और देयर से हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था ना, हियर से शुरुआत हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। ही एडवाइज्ड मी पास्ट इंडेफिनिट टू डू एज ही डिड पास्ट इंडेफिनिट बट आई डिड नॉट पे पास्ट इंडेफिनिट एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। सबका सब तो स्ट्रक्चर करेक्ट है, सेम स्ट्रक्चर में है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, नो एरर। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, इसमें क्या होगा? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, इसमें क्या होगा बताइए। अब आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक, अगले साल जाएगा तो फ्यूचर में जाएगा पास्ट में जाएगा? फ्यूचर में जाएगा तो आप लिखेंगे ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ, ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ। नेक्स्ट हो जाइए। इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रेन टू स्कूल, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तीनों रूल बताया। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। आप लिखेंगे इट इज अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रेन टू स्कूल। आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। आई हैड होप्ड पास्ट परफेक्ट है, आई वुड पास्ट इंडेफिनिट है, अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल पास्ट इंडेफिनिट है। दो पास्ट इंडेफिनिट है तो मेजोरिटी किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की, इसको भी लिखेंगे आई होप ताकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाए। द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज ऑफ द स्टोलन गुड्स। बिफोर आफ्टर, पास्ट परफेक्ट का रूल याद करिए, आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट अगर आता है तो यहां क्या होना चाहिए? द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैड डिस्पोज ऑफ द स्टोलन गुड्स, ही हैड। सुषमा अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड। वर्ब काउंट करिए, अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, हैज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ही हेल्पिंग वर्ब पूरे टेंस में है, ये डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ध्यान रखना। डू डिड डन, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डिड डन ना, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दो पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब इसी को चेंज करेंगे, वी टू इसको भी कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट, कॉल्ड हो जाएगा। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट सी हैज टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट सी हैज टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती। आई कुड नॉट रिकॉल वॉट सी हैज टोल्ड मी, कुड लिखा है पास्ट में है, यहां प्रेजेंट कैसे हो गया? होना चाहिए वॉट सी हैड टोल्ड मी, ये भी पास्ट में जाएगा ना, वॉट सी हैड टोल्ड मी। दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फोर, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, टू एंड टू ऑलवेज मेक फोर होना चाहिए ना, मेक फोर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट मेड। Nobody knows when death will knock at his door. जब कंडीशनल सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाते हैं, विल हटा देंगे, नॉक्स लगा देंगे, नॉक्स एट हिज डोर। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आफ्टर ही विल कंप्लीट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई एरर नहीं, सेंटेंस आपका एरर फ्री है। मीनू अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टू नाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर।
मैंने आपको बताया था अगर फ्यूचर का कोई डेफिनेट प्लान हो जाए, आज की रात उसको मुंबई जाना है, फ्यूचर का कोई डेफिनेट प्लान हो जाए तो प्रेजेंट इनडेफिनिट के साथ जाते हैं। मीनू अलोंग विद, आपको पता है अलोंग विद के साथ पहला वाला ही सब्जेक्ट माना जाएगा, पहला वाला मीनू है, तो गोज टू मुंबई टू नाइट होगा। माई फ्रेंड सेड टू मी वेन हैव यू कम हियर। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर पास्ट का टाइम सेंटेंस में दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट, फिर उसी के साथ मैंने बताया था अगर पास्ट का टाइम पूछ भी लेगा तो भी पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए। माई फ्रेंड सेड टू मी वेन हैव यू की जगह होना चाहिए वेन डिड यू कम हियर, वेन डिड यू कम हियर, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, उम्मीद है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा टेंथ के सारे चैप्टर्स का, फिर इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए ना, और अपनी प्रोग्रेस लगातार चेक करते रहिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद एंट्री कर जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना, तो पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा और फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एक एक चैप्टर करके आपको डिटेल में पढ़ाता चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।